दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम जो हमारा फ्री चैनल है जहां पे हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं विद चार्ट एनालिसिस। तो आज का स्टॉक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 3% का मोमेंटम और मार्केट का करेक्शन आप देख लीजिए। एफएनओ स्टॉक था फ्यूचर एंड ऑप्शन का, ये देखिएगा स्टूडेंट्स के प्रॉफिट 5,000 के प्रॉफिट्स हैं, काफी अच्छी तरीके से स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। सेकंड स्टॉक था हम लोग का टाटा स्टील और देखिएगा फर्स्ट 15 मिनट पे ही आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और बढ़िया तरीके से देखिएगा ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है टाटा स्टील और आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए हम हमेशा आपको गाइड करते हैं और आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, अगर आप बिगिनर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, प्रो इन्वेस्टर हैं, कंपनी कभी भी खरीदिए, बैंक कभी भी खरीदिए, दोनों में डिफरेंस जान लीजिए। कंपनी देखिएगा चलती है प्रोडक्ट के दम पर, एक प्रोडक्ट होता है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है, हो सकता है सीजनल डिमांड हो, सीजन डाउन हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी, फिर सीजन अप होगा तो कंपनी चलने लगेगी। लेकिन बैंकों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बैंकों की बैलेंस शीट आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में आपको क्या करनी होती है, एनालाइज करनी होती है। अगर आपने ऐसा 2-3 क्वार्टर तक नहीं किया तो हो सकता है एक बड़े बैंक में भी डाउनफॉल आ जाए और एक छोटे बैंक में भी बहुत बड़ा अप ट्रेंड आ जाए। हमेशा याद रखिए, मैंने आपको देखिएगा कितने छोटे छोटे बैंक बताए, फेडरल बैंक 40 के लेवल बताया आपको, BOB 40 के लेवल पे बताया, ऐसे बहुत सारे बैंक बताए जो आपको इंप्रूवमेंट दे रहे थे, लाइक इनके 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हो रहे थे, आज देखिएगा पैसा वहां पे डबल हो गया है। लेकिन ऐसे भी बैंक बताए जहां पे आपका पैसा नहीं बना क्योंकि उनकी बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही थी। तो इस बैंक में भी लोग क्या सोचते हैं, छोटा बैंक है, 14 रुपए का बैंक है, इसको ले लेना चाहिए, कल कोई प्रॉफिट देगा। तो अगर आपकी ये टेंडेंसी है तो ये टेंडेंसी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी क्योंकि मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूं। बैंक अगर देखिएगा कॉन्टिन्यू लॉस कर रहा है, कॉन्टिन्यू मतलब अपने प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो ये कहीं से भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है। छोटा है भले कम प्राइस का है, आपको उससे दूर रहना है। बैंकों के साथ हमेशा याद रखिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, लॉन्गर टर्म में वही बैंक आपको पैसा बना के देंगे जो बैलेंस शीट में मजबूत होंगे। तो देखिएगा ये आप सोच रहे होंगे कि जो मार्केट कैपिटल आपको देखने को मिली है 373 करोड़ की होगी या फिर मान लीजिए 800 करोड़ की होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बड़ा बैंक था, बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली 18 रुपए पे भी बाय किया था, तो मैंने वहां पे भी एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि इस बैंक से आपको दूर रहना है। अब स्टॉक का भाव 14 रुपए के आसपास चल रहा है। तो मार्केट कैपिटल कॉन्टिन्यू इरोड हुई है, हर बैंक को देखिएगा उतना सपोर्ट भी नहीं मिलता है। हर बैंक यस बैंक की तरह मॉनिटोरियम केस में भी नहीं जाता है, आपको भी पता है, क्योंकि यस बैंक एक बहुत बड़ा बैंक था तो इसलिए वहां पे उसे सपोर्ट मिला है। लेकिन हर बैंक को सपोर्ट मिले ये ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टॉक का पी देखेंगे तो ये अंडर वैल्यूड नहीं है, स्टॉक की बैलेंस शीट के हिसाब से ये बहुत सही इनका पी मल्टीपल आपको देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 34 रुपए के आसपास देखने को मिल रही है, बट एज सच स्टॉक में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। एज सच कोई इन्होंने बहुत ट्रेमेंडस क्वार्टर के रिजल्ट नहीं दे दिए हैं, बहुत ही क्वालिटी क्वार्टर के रिजल्ट नहीं दे दिए हैं, तो वहां पे भी कोई बड़ा आपको फीडबैक नहीं देखने को मिला। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप बात करेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बात करेंगे तो आपके जो सेविंग अकाउंट में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इन सब चीज़ों को हटा भी देते हैं तब भी यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। लाइक मैंने आपको बताया ना, बुक वैल्यू बात एक खास बात आपको लगेगी, लेकिन आपको फोकस करना है बैंकों की बैलेंस शीट पे और किस तरीके से बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर्स ने इसको बाय किया ऊपर के लेवल पे और वो कंटिन्यू वहां पे स्टक हो चुके हैं। तो बैंकों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट डाउन हो रहे हैं, डिविडेंड ये पे नहीं करते, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देख रहे हैं बहुत लो है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों से इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको देखिए सबसे बड़ी बात बताता हूँ, कंटिजेंट लाइबिलिटी, मार्केट कैपिटल कितना है मैंने अभी बताया था आपको 350 करोड़ के आसपास और कंटिजेंट लाइबिलिटी इनकी 714 करोड़ के आसपास है। तो आप समझ रहे हो बर्डन बैंक पे ज़्यादा है, प्रेशर बैंक पे ज़्यादा है और ऐसे बैंक पे रिस्क लेना यानी कि 90-95% अपने पैसे को रिस्क में डालना, तो इट्स नॉट अ गुड चॉइस, आपको भी पता है। तो
तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। बैंकों में जब भी बात आती है तो मैं टॉप बैंक्स की बात करता हूं, छोटे बैंकों में जब मैं बात करता हूं तो टॉप बैंक्स की बात करता हूं जिनमें ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है, जिनमें रीजनल बेसिस पे उनके कासा इंप्रूव हो रहे हैं, डिपॉजिट इंप्रूव हो रहे हैं, कुछ वो अलग कर रहे हैं, वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर ले अपने, लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमेशा लगा रहता है अपने आप को डाइवर्सिफाई करने में, तो वहां पे आप बेट कर सकते हो क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट खुद ग्रो होना चाहता है। चलिए आप छोटे बैंकों को हटा दीजिए, बड़े बैंकों में आपको सारे बैंक बताए गए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये आपको टाइम टू टाइम रिटर्न बना के देते रहेंगे। आप ये समझ लो, देखिए इंडसइंड बैंक में भी देखिएगा फॉल देखने को मिला था, क्यों? चूंकि विंडो ड्रेसिंग चल रही थी, आपने देखा था एक अपडेट आया था मैंने बताया था, तो विंडो ड्रेसिंग चल रही थी। जब बड़े बैंकों में देखिएगा प्रॉब्लम है तो आप सोच लो छोटे बैंकों में कितनी ज्यादा विंडो ड्रेसिंग होती होगी। ये चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा रखना है बैंकों की बैलेंस शीट कैसी दिख रही है, इट डिपेंड्स ऑन द कासा, इट डिपेंड्स ऑन द जी ग्रॉस एनपीए, जी एनपीए, एनपीए, नेट इंटरेस्ट इनकम कैसी है, क्या ग्रोइंग है, लोन कैसे बुक ग्रो हो रही है, कितना डिफॉल्ट हो रहा है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि इस कोविड के सिनेरियो में बड़े बड़े जो फाइनेंसर हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी प्रॉब्लम में आए हैं, आप देखोगे वो भी प्रॉब्लम में आए, तो छोटे बैंकों के साथ और दिक्कत बढ़ जाती है। हमेशा टॉप बैंक्स के साथ जाइए। मैं बात कर रहा हूँ धन लक्ष्मी बैंक की। अब धन लक्ष्मी बैंक अगर आप बात करोगे तो ये कभी 14 रुपए का बैंक नहीं था, ये 200 रुपए का बैंक था, 200 से 100 आया, 100 से 50 आया, 50 से 20 आया, 20 से 14 रुपए देखने को मिला है। तो कंटिन्यू देखिएगा जो पैसा है वो कम किया है। अब आपको क्वार्टर के रिजल्ट दिखाता हूं, देखिएगा पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट हैं आपके सामने, तो आप देखेंगे तो एज सच कोई रेवेन्यू में कोई इंप्रूवमेंट है, कोई बड़ा इंप्रूवमेंट है नहीं है। इंटरेस्ट में देखिएगा कोई बड़ा इंप्रूवमेंट है, कंटिन्यू देखिएगा कम होते चले जा रहे हैं। एक्सपेंसेस देखिएगा कंटिन्यू क्या रहे हैं, 3 क्वार्टर से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 क्वार्टर से इनके एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो पूरी तरीके से, सॉरी फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखो पूरी तरीके से लॉस में, देखिएगा 4 क्वार्टर हो चुके हैं कंटिन्यू लॉस में, इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं आप देखो खुद ही। फिर आगे अगर आप बात करोगे पीबीटी की बात करोगे, कंटिन्यू डाउनफॉल है। अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट कंटिन्यू डाउनफॉल है, तो ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि बैंकों, इन बैंकों पे आपको अलर्ट रहना है। ऐसे बैंकों को केवल प्राइस देख के आपको नहीं ले लेना है कि कल को ये बैंक चलने लगेगा और आपको रिटर्न मिल जाएंगे। रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है बैंकों में, मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं। आगे बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देखिएगा फाइनेंसिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डाउन है, आप चेकआउट कर सकते हो। ये देखिएगा 18, 19, 20, 21 का मैंने डेटा निकाला है, तो आप देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पे डाउनफॉल है। अगर आप पीबीटी में भी देखोगे तो एज सच कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, बड़े प्रॉफिट हो रहे थे लेकिन आप छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं, कंटिन्यू अगर देखेंगे प्रॉफिट कम हो रहे हैं। तो ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसी है। कैश फ्लो जो कि बहुत बड़ा जो ट्रिगर होता है किसी भी बैंक के पास, सबसे ज्यादा कैश फ्लो होना चाहिए, वो माइनस में आ चुका है 2021 में, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब चलिए एलोकेशन की बात कर लेते हैं, प्रमोटर का कुछ भी नहीं जाएगा, एफआईआईज यहाँ पे 11% के आसपास है, बाकी सारा पब्लिक के पास पैसा है, यानी कि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, केवल वो प्राइस देखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर केवल प्राइस देखते हैं, प्राइस देख के आपने बैंक को उठा रखा है, तो वो चीज़ देखेगा। आपको मैं शो करना चाहता हूँ कि आज भी कोई रिटर्न नहीं है, चलिए एक महीने पे चलते हैं, एक महीने में भी आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। फिर अगर आप बात करते हैं 6 महीने की, तो -11% के रिटर्न है आपको देखिएगा वहां से, 18 रुपए से मैंने बताया ना डाउनफॉल देखने को मिला है, बहुत सारे लोगों ने इसको 6 महीने पहले लिया होगा। 200 रुपए का बैंक था, कंटिन्यू देखिएगा डाउन ट्रेंड में, कोई अप ट्रेंड आपको नहीं देखने को मिला। और अगर 5 सालों की बात करेंगे तो -41% है, बहुत सारे लोगों ने इसको 40 रुपए पे भी ले रखा है, लेकिन वहां से भी देखिएगा वो लोग स्टक हो चुके हैं। तो हमेशा कहूंगा अच्छे बैंक के साथ जाइए, भले आपको वो महंगा मिल रहा हो, लेकिन कभी भी एक डगमगाए हुए बैंक के साथ कभी भी मत जाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।